कोर्ट में कई बार बेहद दिलचस्प मामले सामने आते हैं, जिसे देखकर जज भी हैरान रह जाते हैं और सुनने वाले भी। जब कोई भी फरियादी कोर्ट में कोई याचिका दाखिल करता है तो उसका आधार होता है, लेकिन आपने क्या ऐसी याचिका देखी है या सुनी है जो केवल ख्वाबों के जरिए तैयार की गई हो, सपनों की दुनिया से? जी हाँ, फैंटेसी की दुनिया या कहिए हसीन सपनों को आधार बनाकर इंग्लैंड के प्रिंस हैरी पर शादी से मुकरने का आरोप लगा दिया गया हो। ऐसा ही बेहद दिलचस्प मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सामने आया है, जहां एक महिला वकील पलविंदर कौर ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर जब कहा कि इंग्लैंड के प्रिंस हैरी ने मुझसे शादी का वादा किया था, अब वो शादी से मुकर रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाए, तो जज भी एक बार सोच में पड़ गए। लेकिन जल्द ही जज साहब को समझ आ गया कि ये याचिका सिवाय कोरी कल्पना के और कुछ नहीं है। जज अरविंद सिंह सांगवान ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि तथा कथित प्रिंस हैरी पंजाब के एक गांव में साइबर कैफे में बैठे हों, जो अपने लिए हरियाली वाले चारगाहों की तलाश कर रहे हों। महिला वकील की याचिका में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यानी ग्रामर की गलतियां भी हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा कि महिला वकील ने प्रिंस हैरी के साथ जो बातचीत के सबूत पेश किए हैं वो सब फेक हैं, नकली हैं। विभिन्न सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर बातचीत की गई है। महिला वकील की ग्रामर में बहुत सारी गलतियां हैं और उनकी याचिका पुअरली ड्राफ्टेड है, और ये सब सपनों की दुनिया में रहकर ही किया जा सकता है। और कोर्ट ने आगे कहते हुए ये कहा आदेश में कि इसलिए याचिका सुनने लायक ही नहीं है और इसको खारिज किया जाता है।